हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का यूनिट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द सुनामी। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो चैप्टर है ये सुनामी के बारे में है, जो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी ये उसके बारे में है। इसको पढ़ने से पहले हम अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ये मैप है हम उसको देख लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, यहाँ मिडिल अंडमान है, यहाँ लोअर अंडमान है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, ये अंडमान सी है और ये लिटिल अंडमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, सुनामी, व्हाट इज सुनामी? द सुनामी इज अ वेरी लार्ज पावर वेव कॉज बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। देखिए स्टूडेंट्स, सुनामी क्या होता है? सुनामी वह होता है जो अर्थक्वेक जो आता है सी के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक जो आता है सी के अंदर बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव होता है। जब सी के अंदर अर्थक्वेक आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सुनामी कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, 26 दिसंबर 2004 सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया। 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था कि सुनामी जो है वो थाईलैंड और इंडिया के पार्ट को हिट किया था। सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया के पार्ट में क्या क्या था? अंडमान और निकोबार आइलैंड था और तमिलनाडु के कोस्ट पर था। हियर आर सम स्टोरीज एंड ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेज और सर्वाइवल के कुछ स्टोरीज जो है जो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंसेस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टोरी जो है वो हमें यह सजेस्ट कर रही है कि एनिमल के जो सेंसेस हैं उनसे उनको पहले ही पता चल गया था कि सुनामी आ रही है। ऐसे स्टोरीज हैं, सबसे पहले स्टोरी हम देखते हैं। दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कोपिलागो। आर्कोपिलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं स्टूडेंट्स, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े जो आइलैंड बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे और वो क्या करेंगे? आइलैंड बनाएंगे। समुद्र में ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वो क्या बनाते हैं? आइलैंड बनाते हैं। ऐसे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? आर्कोपिलागो। ये जो टुकड़े होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? आर्कोपिलागो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट स्टोरी है वो क्या है? इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक इग्निशियस नाम का व्यक्ति होता है और वो मैनेजर होते हैं कहाँ के? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर होते हैं। कहाँ? किस चीज के मैनेजर होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो कहाँ पे है? कच्चल में है, ठीक है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उनकी वाइफ उनको 6 AM पे उठाती है बिकॉज ही फेल्ट ऑन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है, जो इनकी वाइफ होती है उनको ऐसा फील होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। अब देखिए, इग्निशियस जो है वो क्या करते हैं? अपने टेलीविजन को सेट कर देते हैं कहाँ? जमीन पर। टेलीविजन को उठाते हैं और जमीन पर रख देते हैं ताकि वह गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। और जो फैमिली होते हैं वो क्या करते हैं? रस्ट आउट हो जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। When the tremor stopped, tremor क्या होता है? Slight shake, earthquake होता है, ठीक है। जो कंपन होती है ना धरती में, जो कंपन होती है उसको हम क्या कहते हैं? tremor कहते हैं। जो धरती में कंपन होती है उसको हम tremor कहते हैं। When the tremor stopped, they saw the sea rising। जब tremor stop हो गया, जब ये slight जो shake था अर्थ का वो स्टॉप हो गया, तो उन्होंने क्या देखा कि सी में राइजिंग हो रही है, मतलब कि सी में वेव्स जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इन द चॉस एंड कंफ्यूजन। चॉस क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसऑर्डर हो जाता है हमारे माइंड का उसको हम चॉस कहते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं वो
लोग, ठीक है, कि अब हमें क्या करना, जैसे होता है ना कि अचानक से कोई आपदा आ जाती है तो उथल पुथल मच जाता है, बिल्कुल वैसा ही सीन उनके सामने क्रिएट हो जाता है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर ब्रदर। अब देखिए उनके दो बच्चे जो होते हैं अपने मम्मी के पापा, मदर्स फादर यानी कि अपने नाना का हाथ, एक बच्चा जो है अपने नाना का हाथ पकड़ लेता है और दूसरा बच्चा जो है वो मदर्स ब्रदर यानी कि अपने मामा का हाथ पकड़ लेता है एंड रन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए उल्टे डायरेक्शन में वो लोग अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। He never saw them again. His wife was also swept away. अब देखिए जो Ignatius हैं, वो कभी उन लोगों को देख नहीं पाते। किसको? उनके दो बच्चे और वो जो बच्चे अपने नाना और मामा के साथ गए रहते हैं, उन चारों लोगों को वो कभी मिल नहीं पाते हैं और उनकी वाइफ भी जो है वो इस वेव में क्या हो जाती है, swept away हो जाती है, मतलब कि इस वेव में चली जाती हैं। Only the three other children who came with him were saved. वही जो तीन बच्चे Ignatius के साथ आए थे, बस वही बच्चे सेव हो पाते हैं, बाकी सारे बच्चे जो है वो दो बच्चे नाना नानी के, नाना और मामा के साथ चले जाते हैं और उनकी वाइफ भी जो है वो भी उस वेव में चली जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड स्टोरी है, यह किसकी है? संजीव की है। संजीव वॉज अ पुलिस मैन, एक सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टोरी जो है वो कहाँ की है? कचल आइलैंड की है, जो कि निकोबार के ग्रुप ऑफ आइलैंड में आती है। और ये किसकी स्टोरी है? यह संजीव की स्टोरी है, जो कि एक पुलिस मैन है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. देखिए वो कैसे भी मैनेज करके अपने आप को, अपने वाइफ को, अपने बेबी डॉटर को, मतलब कि छोटी सी बच्ची को, अपनी बेटी को इस वेव्स से कैसे भी बचा पाते हैं। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। अब देखिए कुछ देर जब वो कैसे भी मैनेज करके अपने वाइफ और बच्ची को बचा लेते हैं, तब तक थोड़े देर बाद उनको क्या सुनाई देता है? एक गेस्ट हाउस का कुक होता है, उसकी वाइफ के चिल्लाने की आवाज संजीव को सुनाई देती है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव जो है वो पानी में कूद जाते हैं क्या करने के लिए, वो जो गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ होती है उनको बचाने के लिए। बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन क्या होता है कि संजीव और जो गेस्ट हाउस के कुक की जो वाइफ होती है वो दोनों स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, दोनों उस पानी में बह जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड स्टोरी किसकी है? थर्ड स्टोरी है आपकी 13-year-old मेघना। थर्ड स्टोरी किसकी है? 13-year-old 13 साल की एक बच्ची है जिसका नाम क्या है? मेघना। ठीक है, इस बच्ची की यह स्टोरी है। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। देखिए 13-year-old मेघना जो है वो अपने फैमिली के साथ और पेरेंट्स के साथ और उसके साथ और कितने लोग होते हैं? 77 पीपल्स होते हैं जिनके साथ वो भी पानी में बह जाती है। सी स्पेंट टू डेज फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। आप देखिए स्टूडेंट्स, वो दो दिन सी में जो है फ्लोट करती रहती है, बहती रहती है, एक वुडन डोर को पकड़ के उसकी हेल्प से वो दो दिन तक नदी में बह रही होती है। 11 टाइम्स ही सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर। अब रिलीफ हेलीकॉप्टर क्या होता है? ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जो फ्लड में लोगों को बचाने के काम आते हैं, उन हेलीकॉप्टर्स को क्या कहा जाता है? रिलीफ हेलीकॉप्टर। ठीक है, 11 टाइम्स इस दो दिन के बीच में वो 11 बार ऐसे हेलीकॉप्टर को ऊपर से जाते हुए देखती है। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो लोग उसे नहीं देख पाते हैं। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। देखिए वो जो है वो शोर पे वेव्स ही, लहर जो होती है उन लहरों के सहारे ही किनारे पे आ जाती है और किनारों पे ही चलती हुई दिखती है। नेक्स्ट स्टोरी किसकी है? अलमास जावेद। अलमास जावेद वॉज 10-year-old। देखिए अलमास जावेद जो है वो कितने ईयर ओल्ड है? 10-year-old है। शी
अलमास जावेद जो है वो कितने ईयर ओल्ड है, 10 ईयर ओल्ड है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। देखिए कार्मल कॉन्वेंट करके कोई स्कूल है पोर्ट ब्लेयर में, अलमास वहीं पे स्टूडेंट्स हैं। वेयर हर फादर एंड हैड अ पेट्रोल पम्प, वहीं पे उसके पापा का एक पेट्रोल पम्प है। हर मदर राहालियाज होम वॉज इन नॉन कॉर्वे आइलैंड, उसकी मदर का जो घर था वो कहाँ था, नॉन कॉर्वे आइलैंड में था। दिस फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, ये फैमिली वहाँ पे क्या करने गई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। When the tremor came early in the morning, the family was sleeping. जब tremor आया, जब भूकंप आया सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो पूरी फैमिली जो है वो क्या कर रही थी, सो रही थी। अलमास फादर saw the sea water recede। देखिए अलमास के फादर ने क्या देखा, देखिए स्टूडेंट्स जब सुनामी आती है तो क्या होता है कि पानी बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ जाता है, और जितनी तेजी से पीछे की तरफ जाता है उतनी ही तेजी से आगे की तरफ वो आता है। तो अलमास के फादर ने क्या देखा कि पानी बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। He understood that the water would come rushing back with a great force। उनको यह अंदाजा हो गया कि जब पानी इतना ग्रेट इतने तेजी से पीछे जा रहा है तो पानी बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ आगे की तरफ भी आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। सबको उन्होंने जगाया और जगाके क्या बोला कि हम लोग अभी एक सेफ जगह पे चले जाते हैं। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। जैसे ही वो लोग दौड़ रहे होते हैं तब तक अलमास के जो grandfather है उनके सर पे किसी चीज से चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। Her father rushed to help him, then came the first grand wave that swept both of them away। जब उनके grandfather गिर जाते हैं और तभी बहुत ही तेजी से पहला बहुत ही बड़ा वेव आता है और वो दोनों जो है उसमें स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, मतलब कि बह जाते हैं। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अब देखिए अलमास की जो मम्मा है और जो आंटी हैं वो क्या करती हैं, कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़कर खड़ी रहती हैं, ठीक है, जब और उसको अलमास को भी उनके अपने पास बुला रही होती है। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वेयर वॉश्ड अवे। अब देखिए फिर वेव आता है बहुत ही तेजी से और वो वेव क्या करता है, अपरूटेड द ट्री मतलब कि जड़ से ही उस पेड़ को उखाड़ देता है और उसमें अलमास की मदर और अलमास की आंट जो है वो भी वॉश्ड अवे हो जाती है। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, सी क्लाइम्ब्ड ऑन इट देन सी फेंटेड। अलमास ने क्या देखा कि बहुत ही बड़ा सा एक ऊड है जो कि पानी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, और वो उस पर क्लाइंब कर जाती है और फेंटेड, फेंटेड का मतलब हो जाता है अपने कॉन्सियस को खो देना, मतलब कि बेहोश हो जाना। तो अलमास उस पर क्लाइंब करती है उस ऊड पे और बेहोश हो जाती है। When she woke up, she was in hospital in Karmotra। अब देखिए जब उसकी आंख खुलती है तब वो क्या देखती है कि वह Karmotra एक हॉस्पिटल है वहां पे है। From there, she was brought to Port Blair। और वहां के हॉस्पिटल से फिर वो कहाँ आती है, पोर्ट ब्लेयर में आती है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। जो छोटी सी बच्ची है वो उस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी कोई भी बात करना नहीं चाहती है। She is still traumatized। वो अभी भी क्या है, ट्रेमोटाइज है, मतलब कि बहुत ही बड़े शॉक में है, डिस्ट्रेस है, बहुत ही ज़्यादा उसको स्ट्रेस हो जाता है इन सब चीज़ों से, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और इसीलिए वह इस इंसिडेंट के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने अपने ग्रैंडफादर, अपने फादर, अपनी मम्मा, अपनी आंटी सबको पानी में वॉश अवे होते हुए देखी होती है। स्टूडेंट्स अब हम कंपैरिजन चेक करेंगे इसका। फर्स्ट क्या है, शेयर वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये जो भी है क्वेश्चन ये ट्रू है या फॉल्स है हमें ये बताना है। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रेन हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्निशियस जो है वो अपने वाइफ को, अपने दो बच्चे को, अपने फादर इन लॉ को और अपने ब्रदर इन लॉ को सुनामी में लॉस कर दिए होते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, ट्रू है, क्या है, ट्रू है।
फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ट्रू है। सेकंड क्या है, संजीव मेड इट टू सेफली आफ्टर द सुनामी। संजीव जो है वो खुद को सेफली रख पाए थे सुनामी के बाद, नहीं, संजीव जो है वो जो उनकी कुक की वाइफ है उनको बचाने के चक्कर में क्या हो गए थे, वो भी पानी में बह गए थे। तो क्या है, ये फॉल्स है। थर्ड क्या है, मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना जो है वो रिलीफ हेलीकॉप्टर से बचाई गई थी, ऐसा नहीं था मेघना जो है वो रिलीफ हेलीकॉप्टर से नहीं बचा पाए थे, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर को वहां से जाते हुए देखी जरूर थी लेकिन हेलीकॉप्टर उसको नहीं देखा था। तो ये क्या है आपका, ये भी फॉल्स है। अल्माज फादर रियलाइज दैट द सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्माज के फादर को यह रियलाइज हो गया था कि सुनामी आइलैंड को हीट करने जा रही है। तो क्या है, ये ट्रू है। अल्माज के फादर ने देखा था पानी को पीछे जाते हुए, तो उनको यह रियलाइज हो गया कि अब सुनामी आने वाला। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन। अल्माज की जो मदर थी और आंट थी वो क्या जो ट्री को पकड़ी थी उसी के साथ वो वॉश्ड अवे हो गई थी। क्या यह ट्रू है या फॉल्स है, या ट्रू है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आ गया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड देखेंगे। आपको पार्ट फर्स्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।